अब ये चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं आज हम बीजेपी को लेकर कि किस तरह बीजेपी में ज्योति मिर्धा की एंट्री हुई, वो और सवाई सिंह जो खींवसर से जिन्होंने कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़ा था, वो दोनों आज बीजेपी के कार्यालय पहुंचे। ज्योति मिर्धा कांग्रेस से सांसद रही, नाथुराम मिर्धा की पोती, आज पहुंची बीजेपी कार्यालय में। उन्होंने जाकर लोगों से परिचय प्राप्त किया, अपना परिचय दिया और लोगों से बीजेपी, क्योंकि बिल्कुल विपरीत दिशा से आई हैं, कांग्रेस से आई हैं, कांग्रेस के भी उस परिवार से आई हैं जो काफ़ी खिलाफ रहा बीजेपी के। हालांकि भानु मिर्जा जरूर सांसद रहे थे, लेकिन अदरवाइज वैसे ट्रेडिशनली कांग्रेस परिवार था नाथुराम मिर्जा का। तो उस परिवार की नाथुराम मिर्जा की पोती पूर्व सांसद कांग्रेस की, आज बीजेपी दफ्तर गई। बीजेपी दफ्तर जाकर उन्होंने मेल मुलाकात के बाद में सख्त लहजे में हनुमान बेनीवाल को चुनौती दी। हनुमान बेनीवाल रालोपा के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं या संयोजक हैं, समृद्धि जी सब कुछ हैं, आला कमान है पार्टी की। कल उन्होंने हुंकार रैली की थी जयपुर में विजयनगर स्टेडियम में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर। आज ज्योति मिर्जा ने इस बात को लेकर चैलेंज किया कि पिछली बार मुझे सलटाने के लिए आप बीजेपी के साथ मिले थे और लोकसभा का चुनाव जीतकर चले गए, अब मैं आ गई हूं बीजेपी में, अब आकर मुझसे मुकाबला करो, मैं बताती हूं। इन लफ्जों में उन्होंने बात की है, सुनते हैं क्या कहा ज्योति मिर्जा ने आज। देखिए, चुनौती देने की बात ही नहीं है, वो चुनौती में कहीं अड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर बाद में ये बात बोली कि साहब आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा था। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि एक परिवार से मेरी राजनीतिक रंजिश थी और उसको हराने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी। इसका मतलब ये है कि पहली बात उनके पास पूरे वोट नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था सिर्फ मुझे हराने के लिए। कांग्रेस के अंदर नेता खुले में उनकी खिलाफत करने के अंदर आ रहे हैं कि ये जो अंदर खाने जो आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं या ठगबंधन की बातें कर रहे हैं, इनको बंद करिए, हम नहीं चाहते कि आप अपना काडर कमजोर करें। तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हों, चाहे वो हरीश चौधरी जी हों, चाहे दिव्या मदेरणा जी हों, सारे ओपन में आकर के कांग्रेस के अंदर भी यही कह रहे हैं कि गठबंधन मत करो। अगर अकेले में हनुमान बेनीवाल आते हैं तो मेरी चुनौती है उनको कि आए और चुनाव लड़े। पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, अपनी वहां पर अगर आपको अगर दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूं तो आए और चुनाव लड़े और वही घोड़ा वही मैदान। कांग्रेस ज्योति मिर्जा ने तीन नाम लिए कांग्रेस के, जो उन्होंने हवाला दिया है, सचिन पायलट का, हरीश चौधरी का, दिव्या मदेरणा का। ये खास संकेत बताता हूं मैं राजनीति की तरफ कि तीनों वो नेता हैं जो इस वक्त अशोक गहलोत के खिलाफ बगाए बगाए बड़ी चुनौती देते रहे, छोटी चुनौती देते रहे, चुनौती बनकर सामने आते रहे। उन तीन लोगों का नाम लिया उन्होंने हनुमान बेनीवाल की खिलाफत करने वाले लोगों के रूप में, और हनुमान बेनीवाल के कामकाज किस तरह अशोक गहलोत सलटा रहे हैं ये बात जगजाहिर हो चुकी। ठीक है, सांसद भी हैं, अपने इलाके के काम लेके आएंगे, तो गहलोत जी ने जैसे कल हमने देखा था किस तरह उन्होंने जोधपुर में काम किया, पैसे दिए सूर्यकांता व्यास के कहने पर, सूर्यकांता व्यास ने तारीफ की। तो नेचुरली आरएलपी के तीन विधायक हैं और एक सांसद हैं, उनके हक हैं, अपनी जनता के लिए कुछ मांगने दिया होगा उन्होंने। लेकिन हनुमान बेनीवाल की खिलाफत करने के नाम पर जिन तीन नेताओं का नाम लिया गया कांग्रेस के ज्योति मिर्जा के द्वारा, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी चली गई, वो तीनों नेता एक लाइन और लेंथ के नेता हैं, एक दिशा के नेता हैं। इससे भी कुछ संकेत जाता है आने वाले वक्त में कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के बीच, जैसे बीजेपी में हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं हो सकता समझौता, ऐसे कांग्रेस में भी नहीं हो पाएगा, कोशिश की जाएगी। तो ये संकेत दे दिए ज्योति मिर्जा ने और चुनौती दी है कि अकेले आ जाए हनुमान बेनीवाल मेरे सामने। पिछली बार बीजेपी की आड़ में लड़ लिए मेरे से, अब कांग्रेस की आड़ में लड़ने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस ही लड़ने नहीं देंगे, मुझसे लड़ो आकर, मैं अब बीजेपी के साथ हूँ। तो वो भी अकेली नहीं लड़ रही, बीजेपी के साथ होकर लड़ रही है। अब पार्टी कोई भी बना लेता है, ऐसा उन्होंने कहा है, इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है, एक नेता की राय है, दूसरे नेता